साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई के लिए भाजपा की सरकारें काम कर रही है। इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए अभी अभी हमने बुंदेलखंड और यूपी के विकास से जुड़े लगभग 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसमें सुरक्षा, रोजगार, रेल, बिजली, पानी ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं। भाइयों और बहनों, अब बुंदेलखंड को देश की सुरक्षा और विकास का कॉरिडोर बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। झांसी से आगरा तक बन रहा यह डिफेंस कॉरिडोर देश को सशक्त करने के साथ ही बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराने वाला है। देश और दुनिया के बड़े बड़े निवेशकों ने यहां उद्योग लगाने के लिए रुचि दिखाई है। मुझे बताया गया है कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए के समझौते हो भी चुके हैं। इस डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा और सुरक्षा का सामान उसके निर्माण करने वाली देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी उद्योग लगाएंगी। भाइयों और बहनों, जब बड़े उद्योग लगते हैं तब उनके आसपास छोटे उद्योगों का भी विकास होता है। एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा वातावरण तैयार होता है। झांसी और आसपास के क्षेत्रों में जो छोटे और मझले उद्योग हैं उनको इस कॉरिडोर से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इस कॉरिडोर से यहां के लाखों युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, यहां के नौजवानों का कौशल कैसे बढ़े, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, कौशल विकास भी यहां आने वाली कंपनियां करेगी, ताकि उनको इस काम के लिए कौशल्य की महारत हासिल हो और वे अपने ही गांव में रह करके रोजी रोटी भर कमा सके, उनको यहां से जाना न पड़े। मैं तो गुजरात में रहता था, शायद ही बुंदेलखंड का कोई ब्लॉक ऐसा होगा कि जहां के लोग गुजरात में हमारे यहां न रहते हो। मैं भली भांति परिचित रहा हूं आप लोगों से, और जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बुंदेलखंड जैसा क्षेत्र भी औद्योगिक विकास का केंद्र बन सकता है, मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूं। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर रेगिस्तान जैसा एक हमारा कच्छ जिला है, बड़ा जिला है। कोई अफसर उसको वहां नौकरी करने के लिए जाने को तैयार नहीं, लोग भी वहां रहने को तैयार नहीं। पॉपुलेशन का भी माइनस ग्रोथ होता था, जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम होती थी, क्योंकि न पानी था, न रोजी रोटी की संभावना थी। लेकिन 2001 के भूकंप के बाद मुझे वहां मुख्यमंत्री के नाते कार्य की जिम्मेवारी आई मेरे सर पे,
इतने कम समय में जो कच्छ जिला रेगिस्तान के नाते जाना जाता था, पानी तक मुहैया नहीं था, कोई अपनी बेटी वहां शादी के लिए देने को तैयार नहीं था, आज वो कच्छ जिला हिंदुस्तान के सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले जिलों में बन चुका है, बन चुका है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कच्छ को विकसता हुआ अपनी आंखों के सामने देखा है, मैं आज कल्पना कर सकता हूं ये बुंदेलखंड वैसा ही बन के रहेगा, ये मैं अपनी आंखों से देख सकता। अगर कच्छ बढ़ सकता है तो बुंदेलखंड भी बन सकता है, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए अब तक जो निराशा में जीते रहे हैं, सोचने की भी अकर्मण्यता रही है, हम उसे इस धरती को बाहर निकालने का संकल्प लेकर के एक बहुत बड़े परिवर्तन के इरादे के साथ इस डिफेंस कॉरिडोर के पीछे हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं।